Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today we will discuss some important obituaries, those persons who recently passed away. So I'll discuss all of them in this video lecture. Okay, so basically this is Current Affairs Funda and I'll telling you some thing about our channel. Basically we are delivering free education for all of you and spread the word among your friends and share for those people who cannot afford the coaching classes, and you know learning is priceless, so please do at least for them. And guys, if you want any specific topic video then please do comment on our Facebook channel, that is facebook.com/currentaffairsfunda. Okay, so it's all about our channel, and guys do subscribe this channel because you will be directly notified if I uploaded any new video on this channel. Okay, so let's move for our obituaries section, that is national as well as international. So guys, in the last 4 to 5 months, those people who passed away, who left this world, so I'll discuss their name, their designation and some eminent personalities also. So I'll discuss basically 4 to 5 months obituaries. So first thing more, if you are preparing for LIC AAO, so this lecture is really very beneficial for you. Second thing, SSC CGL, and third, that is railway exams. So my motto is to cover all these three exams in this lecture. Okay, so it will definitely give you 1 or 2 marks from this lecture. So guys, it's all about 35 eminent personality, those passed away in previously 4 to 5 months. Now let's move. So first one, that is Arun Tikekar, was the senior journalist and scholar. अरुण टिकेकर जी जो सीनियर जर्नलिस्ट थे और स्कॉलर भी थे, वो रिसेंटली पास डबे हो चुके हैं, तो उनको भी आपको मेमोराइज करना है. मृणालिनी साराभाई वाज द इमिनेंट डांसियोज एंड वाइफ ऑफ द लेट विक्रम साराभाई, फादर ऑफ द इंडियन स्पेस प्रोग्राम. तो ये मृणालिनी साराभाई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब दिग्गज हस्तियाँ हैं, और ये विक्रम साराभाई जो हैं उनकी वाइफ थी, और जिनको विक्रम साराभाई को आपको पता होगा, फादर ऑफ इंडिया स्पेस प्रोग्राम के अंतर्गत में इनको जाना जाता है. तो मृणालिनी साराभाई अभी जल्दी में पासेस अभी हुई हैं. नंबर 3, इटोरे स्कोला वाज अ इटालियन डायरेक्टर. आपको पता होगा इटोरे स्कोला जो एक पर्सन है, ये इटालियन डायरेक्टर थे और ये रिसेंटली पास डबे हुए हैं. नंबर 4 फ्रेंड्स, निर्मला गजवानी. निर्मला गजवानी कौन है, वॉज द फॉर्मर डिप्टी स्पीकर ऑफ गुजरात असेंबली एंड सोशल एक्टिविटीज. ये एक समाज सेविका थी और गुजरात की डिप्टी स्पीकर भी रह चुकी हैं, तो अभी इनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, आपको याद रखना है. नंबर 5, पंडित शंकर घोष. पंडित शंकर घोष वॉज एन इमिनेंट तबला प्लेयर. देखिए, तबला प्लेयर बहुत ही दिग्गज तबला प्लेयर थे जिनका नाम है पंडित शंकर घोष जी, तो ये अभी रिसेंटली पास डबे हुए हैं, इनके बारे में आपको याद रखना है. नंबर 6, कल्पना वाज द नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस. आपको पता होगा एक नेशनल अवार्ड विनिंग एक्ट्रेस थी जिनका नाम था कल्पना, वो अभी रिसेंटली पास डबे हुई हैं. नंबर 7 फ्रेंड्स, मार्विन मिन्स्काई वॉज द पायनियर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. आपको पता है AI जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें इन्होंने बहुत महारत हासिल की थी. ही वॉज वेरी फेमस फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इनका नाम था मार्विन मिन्स्की, तो इनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है. नंबर 8 फ्रेंड्स, अबे बिगोडा. अबे बिगोडा वॉज एन एक्टर नोइन फॉर हिज वर्क इन द गॉडफादर. गॉडफादर में इन्होंने काम किया था और ये एक एक्टर हैं रिसेंटली, और इनकी डेथ हो चुकी है. नंबर 9 फ्रेंड्स, जनरल कोटी कालपुड़ी. जनरल कोटी कालपुड़ी वेंकटा कृष्णा राव, ये इनका पूरा नाम है, कोटी कालपुड़ी वेंकटा कृष्णा राव वॉज अ फॉर्मर आर्मी चीफ. ये हमारे आर्मी चीफ रह चुके हैं और इनकी डेथ हो चुकी है. नंबर 10, राजेश विवेक उपाध्याय. राजेश विवेक उपाध्याय अभी रिसेंटली पास अवे, और ये कौन थे, ही वॉज द बॉलीवुड एक्टर. नंबर 11, एलन रिकमैन वॉज एन एक्टर. एलन रिकमैन अभी रिसेंटली पास डबे हुए हैं. ये किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, ये एक्टर. बेसिकली क्वेश्चन ये आता है कि ये इमिनेंट पर्सनालिटी जो ये दिग्गज हस्तियां हैं, ये किस फील्ड से बिलोंग करती हैं, तो क्वेश्चन आता है कि एलेक रिकमैन हु रिसेंटली पास डबे बिलोंग्स टू विट
फील्ड, तो ऑप्शन होता है लिटरेचर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। सेकंड हो सकता है एक्टर है, थर्ड आपका ऑप्शन हो सकता है मेडिकल डिपार्टमेंट में जो भी है, नंबर चौथा है एनवायरमेंटलिस्ट, ठीक है, फिफ्थ है नन ऑफ दीज। तो आपको अगर आपने इसके बारे में पढ़ा है कि एलन रिकमैन एक एक्टर थे और रिसेंटली पास जबे हुए हैं, तो आप पहला ऑप्शन आसानी से लगा सकते हैं। यही बेसिकली एमसीक्यूज बनाने का तरीका होता है। कुछ फ्रेंड्स ने हमारे कहा है कि सर प्लीज़ एमसीक्यूज जरूर दीजिएगा, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, आप अगर थ्योरी पोर्शन कवर कर रहे हैं तो आप एमसीक्यूज काफ़ी बना सकते हैं। ओके, नाउ गाइस सी नंबर 12, बेंट्रा परगादा रामा राव, ये बेसिकली साउथ इंडियन नेम्स हैं तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। बेंट्रा परगादा रामा राव वॉज अ वेटरन बीजेपी लीडर एंड फॉर्म सिक्किम गवर्नर, ठीक है, ये सॉरी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करते हैं, सिक्किम से। तो इनका नाम है बेंट्रा परगादा रामा राव, तो ये अभी रिसेंटली पास हुए हैं और ये सिक्किम के गवर्नर भी थे और बीजेपी के लीडर भी रह चुके हैं। नंबर 13 फ्रेंड्स, लक्ष्मण राव मोहिते, लक्ष्मण राव मोहिते इनका नाम है, ये भी रिसेंटली पास डबे हुए हैं और बेसिकली इनको एक नाम से और जाना जाता है जिनका नाम है गीता प्रिया, गीता प्रिया वाज रिन्यूड फिल्म मेकर। ओके, सो इनको इस नाम से भी जाना जाता था। नंबर 14, याशुतारो कोइडा वॉज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट मैन एट द एज ऑफ 112, आपको पता होगा 112 साल की उम्र में अभी इनकी डेथ हुई है, इनका नाम था याशु तारो कोइडा, ठीक है फ्रेंड्स। तो याशु तारो कोइडा जिनका नाम है, ये वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा बूढ़े आदमी थे और ये अभी 112 साल की उम्र में इनकी डेथ हुई है। नंबर 15, ग्लेन फ्रे वॉज अ फाउंडिंग मेंबर एंड गिटारिस्ट ऑफ द ईगल्स, देखिए ग्लेन फ्रे इनका नाम था और ये एक फाउंडिंग मेंबर एंड गिटारिस्ट ऑफ द ईगल्स, ईगल एक ब्रांड है, तो ईगल ब्रांड के कौन थे, ये गिटारिस्ट थे जिनके अभी रिसेंटली डेथ हुई है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि ग्लेन फ्रे रिलेटेड टू विच फील्ड, ही इज अ गिटारिस्ट। नाउ लेट्स डिस्कस पॉइंट नंबर 16, सरोज होमी कपाडिया, ये काफ़ी इमिनेंट पर्सन है, सरोज होमी कपाडिया वॉज एन एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि विच एक्स चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिसेंटली पास डबे, तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए होंगे, तो आपको करेक्ट चूज करना है, दैट इज सरोज होमी कपाडिया। नंबर 17 फ्रेंड्स, मुफ्ती मोहम्मद सैयद वॉज अ जम्मू एंड कश्मीर एक्स चीफ मिनिस्टर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर के अभी करंटली चीफ मिनिस्टर थे मुफ्ती मोहम्मद सैयद, तो इनको कुछ हार्ट से रिलेटेड बीमारियां थी तो इस वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये कहाँ के चीफ मिनिस्टर थे, ये थे जम्मू एंड कश्मीर के, और बेसिकली किस पार्टी से थे, ये थे PDP, जो PDP पार्टी है, अभी उसकी अध्यक्षता जो है, प्रेसिडेंट कौन है, मुफ्ती महबूबा जो इनकी बेटी हैं वो भी इस पार्टी की चीफ हैं और बेसिकली पहले यही थे, तो ये PDP पार्टी को बिलोंग करते थे। नंबर 18 फ्रेंड्स, लावशंकर ठक्कर वॉज द नोटेड गुजराती राइटर एंड पोएट, लावशंकर ठक्कर जो थे वो एक बहुत ही फेमस गुजराती राइटर और पोएट थे जिनकी रिसेंटली डेथ हो चुकी है, तो आपको ये याद रखना है। नंबर 19, रविंद्र कालिया एज अ नोटेड हिंदी राइटर एंड जर्नलिस्ट, आपको ये भी याद रखना है कि रविंद्र कालिया कौन थे, वो एक नोटेड हिंदी राइटर एंड जर्नलिस्ट थे जो भी रिसेंटली पास डबे हुए हैं। नंबर 20, डेविड बोबी वॉज अ ब्रिटिश सिंगर, ये अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है और ये ब्रिटिश सिंगर इनका नाम है डेविड बोबी। ओके, सो फ्रेंड्स इसको आप साइड बाय साइड नोट डाउन करते चलिए। नाउ लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 21, दैट इज मारिया तेरेसा दी फिलिपिस वॉज द फर्स्ट वुमेन टू कम्पीट इन अ वर्ल्ड चैंपियनशिप F1 ग्रैंड प्रिक्स, देखिए ये मारिया तेरेसा दी फिलिपिस ये अभी रिसेंटली पास डबी हुई हैं, इनके बारे में मैं बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बताना चाह रहा हूँ, ये पहली वुमेन थी जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप F1 ग्रैंड प्रिक्स जीता था, ठीक है, ये अभी रिसेंटली पास हुई हैं इसलिए ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 22, साधना वाजा यस्टर हिंदी फिल्म एक्ट्रेस, ठीक है, साधना जो थी वो एक हिंदी फिल्म एक्ट्रेस थी जो रिसेंटली पास डबी हुई हैं। नंबर 23,
B.S. Malipat, देखिए B.S. Malipat कौन थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ कर्नाटका एंड केरला हाई कोर्ट जस्टिस. देखिए केरला हाई कोर्ट के जस्टिस थे और चीफ जस्टिस पहले रह चुके हैं कहाँ के, कर्नाटका के. ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि B.S. Malipat कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये कर्नाटका से बिलोंग करते हैं और ये पहले चीफ जस्टिस रह चुके हैं कर्नाटका हाई कोर्ट के. और नंबर 24, हर्स्केल वेक्सर वॉज ऑस्कर विनिंग सिनेमाटोग्राफर. देखिए इनका नाम है हर्स्केल वेक्सर. हर्स्केल वेक्सर जो है ये ऑस्कर विनिंग सिनेमाटोग्राफर है और ये भी रिसेंटली पास्ड हुए हैं, तो ये फॉरनर्स थे, तो आपको इनको भी याद रखना है. नंबर 25 फ्रेंड्स, जॉर्ज क्लेटन जॉनसन. जॉर्ज क्लेटन जॉनसन वॉज अ पॉपुलर साइंस फिक्शन राइटर. ये काल्पनिक स्टोरियाँ लिखते थे जो साइंस से रिलेटेड होती हैं और बहुत ही ज़्यादा फेमस थे, मोस्ट इमिनेंट पर्सन थे, तो इनका नाम था जॉर्ज क्लेटन जॉनसन. देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि जॉर्ज क्लेटन जॉनसन रिलेट्स टू विच फील्ड. ही वॉज अ साइंस फिक्शन राइटर. ये विज्ञान की, जो विज्ञान की काल्पनिक स्टोरीज होती थी, काल्पनिक स्टोरीज उनको लिखा करते थे. नाउ फ्रेंड्स सी 26 नंबर, इयान फ्रेशर लेमी किलमिस्टर वाज द फाउंडिंग मेंबर एंड सिंगर इन द ब्रिटिश बैंड मदरहेड. देखिए जो ब्रिटिश बैंड है मदरहेड, उसके ये फाउंडिंग मेंबर थे और वहां पर सिंगर भी थे, तो ये भी रिसेंटली पास जो है. इनका नाम है इयान फ्रेशर लेमी किलमिस्टर, तो आपको ये नेम इनका याद रखना है. नंबर 27, सुबीर सेन वॉज अ वेटरन सिंगर. सुबीर सेन जो एक सिंगर थे उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो चुकी है. नंबर 28 फ्रेंड्स, जनरल ओम प्रकाश मल्होत्रा वॉज द फॉर्मर पंजाब गवर्नर एंड एक्स चीफ ऑफ आर्मी. देखिए जनरल ओम प्रकाश मल्होत्रा जी, अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, ये पंजाब के गवर्नर भी रह चुके हैं और एक्स चीफ भी थे आर्मी के, तो ये मोस्ट इमिनेंट पर्सन है, इनको आपको जरूर याद रखना है, इनके आने की प्रोबेबिलिटीज बहुत ज़्यादा होती हैं. नंबर 29, पीटर डिकिंसन वॉज अ ब्रिटिश नॉवलिस्ट. देखिए पीटर डिकिंसन जो थे वो ब्रिटिश नॉवलिस्ट थे और उनकी रिसेंटली डेथ हुई है. नंबर 30 फ्रेंड्स, चाटला श्रीमुलु वॉज नोटेड राइटर एंड थिएटर आर्टिस्ट. देखिए चाटला श्रीमहु एक बहुत ही फेमस और थिएटर आर्टिस्ट थे जिनकी अभी बेसिकली डेथ हो चुकी है. नाउ गाइस लेट्स मूव फॉर द पॉइंट नंबर 31. शरद अनंतराव जोशी वॉज रिनोवेड एग्रो इकोनॉमिस्ट एंड वेटरन लीडर ऑफ फार्मर्स. ये किसानों के बहुत बड़े नेता थे और एग्रो इकोनॉमिस्ट इनको कहा जा सकता था, उसकी उपाधि इनको दी गई थी और इनका नाम था शरद अनंतराव जोशी. शरद अनंतराव जोशी बेसिकली ये रिसेंटली पास्ड अवे हुए हैं और इनको एग्रो इकोनॉमिस्ट की उपाधि भी दी गई थी और ये किसानों के नेता थे, वेटरन लीडर ऑफ द फार्मर्स. नंबर 32 फ्रेंड्स, उस्ताद साबरी खान वाज रिनोवेट सारंगी प्लेयर. देखिए क्वेश्चन ये आ सकता है कि साबरी खान रिलेटेड टू विच फील्ड, सो साबरी खान इज अ सारंगी प्लेयर, तो अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, तो इनका पूरा नाम है उस्ताद साबरी खान, इनको उस्ताद की उपाधि दी गई है, ये सारंगी प्लेयर थे. नंबर 33 फ्रेंड्स, एल्डर रियाजनोव वाज अ रशियन फिल्म डायरेक्टर. ये रशियन फिल्म डायरेक्टर थे, काफ़ी इमिनेंट पर्सन थे, एल्डर रियाजनोव, तो इनकी अभी डेथ हुई है, तो आपको ये भी मेमोराइज करना है, आपको नोट डाउन करना है और यहाँ से वीडियो के फॉर्मेट में इसको देख लेना है. MAM मैम रामन स्वामी इंडस्ट्रीज वॉज द फाउंडर ऑफ चेटनाट ग्रुप, फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन. ये पहले इनका नाम है मैम रामाश्मी, ठीक है, ये एक इंडस्ट्रीज थे और ये फाउंडर भी थे चेटीनट ग्रुप के, तो जो चेटीनट ग्रुप है उसके फाउंडर भी थे और ये फॉर्मर पार्लियामेंटेरियन भी रह चुके हैं, पहले ये MPs भी रह चुके हैं. ओके नंबर 35 फ्रेंड्स, अनिल गांगुली वॉज अ नोटेड फिल्म मेकर. आपको पता होगा अनिल गांगुली एक
काफ़ी महान नोटेड फिल्म मेकर थे, इनकी रिसेंटली डेथ हुई है। तो ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इमिनेंट पर्सनालिटीज़ अभी रिसेंटली पास्ड अवे हुई हैं। अगर आपने न्यूज़पेपर्स में भी कहीं से पढ़ा है तो आप उसको भी एक बार मेमोराइज कर लीजिएगा, एक से दो नंबर आपके एग्जाम्स में ज़रूर आएगा। देखिए, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में तो आ सकता है कि कौन सी इमिनेंट पर्सनालिटी रिसेंटली पास्ड अवे हुआ है, लेकिन इनसे रिलेटेड अगर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया होता है तो दो चार क्वेश्चन यहाँ से और बन जाते हैं। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू मेमोराइज ऑल दीज न्यूज़। गाइस, ये सारी न्यूज़ आपको याद कैसे करनी है, द वन थिंग, सबसे पहले आपको थोरली इन सबको एक बार इस वीडियो को देख लेना है, उसके बाद में इसको नोट डाउन कर लेना है। अगर आप नोट डाउन कर लेंगे तो फिर उसके बाद में आप इसको आसानी से एक से दो बार देखेंगे तो आप एग्जाम्स में एटलीस्ट वहाँ पर क्वेश्चन बना सकते हैं। ओके, सो दिस इज़ द ओनली वे टू मेमोराइज ऑल दिस न्यूज़ इन अ ग्लांस। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल गिव योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो, हाउ यू लाइक दिस, एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन रिगार्डिंग दिस वीडियो, योर सजेशंस आर ऑलवेज अप्रिशिएटेड, प्लीज़ पुट योर सजेशन इन द कमेंट बॉक्स। एंड गाइस, डू लाइक दिस वीडियो। If you have any query regarding anything, then please do comment on our Facebook channel. Our team will definitely assist to you. Thanks guys for watching this video. Do like, do subscribe. Thanks guys. Have a nice day.